हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास स्टैंडर्ड 4 चैप्टर 9 चंद्रशेखर आज़ाद। ए कंटेम्प्रेरी ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद वॉज अ बॉर्न फायर ब्रांड रेवोल्यूशनरी। ही एंगेज इन अ हीरोइक बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। हिज रोल वॉज crucial in inspiring other of his generation of participate in the national movement of freedom. So इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरह से जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो कैसे व्यक्ति थे और उन्होंने कैसे फ्रीडम फाइट्स में पार्टिसिपेट किया था। तो चंद्रशेखर वॉज अ बॉर्न फायर ब्रेन रेवोल्यूशनरी, यानी चंद्रशेखर यानी जब उनका जन्म हुआ था वो तभी से कैसे थे, फायर ब्रांड रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी थे, यानी जन्म से ही वो तेज तर्रार क्रांतिकारी थे। ही एंगेज इन अ हीरोइक बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश, और वो किस में लगे हुए थे, हीरोइक बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी जो ब्रिटिश थे उनके खिलाफ लड़ने में लगे थे। हिज रोल वॉज क्रूशियल इन इंस्पायरिंग अदर्स ऑफ हिज जनरेशन, और उनका एक महत्वपूर्ण योगदान था जो अपने एज के लोग थे उनके, उनको वो इंस्पायर करते थे, प्रोत्साहन देते थे कि वो स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लें। यानी अपने जो भी साथी होते थे उनके, उनकी जनरेशन के जो भी लोग थे उनको वो आशा देते थे कि सभी लोग स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग दें। चंद्रशेखर आज़ाद वॉज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906 इन भावरा विलेज। ही वॉज देन कॉल्ड चंद्रशेखर तिवारी। हिज फोर फादर वॉज फ्रॉम द भदरका विलेज नियर कानपुर। हिज मदर जग रानी देवी वॉज द थर्ड वाइफ ऑफ हिज फादर सीताराम तिवारी। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में हुआ था, वहाँ पर एक भावरा विलेज में है, और वहाँ पर तब वो उनको चंद्रशेखर तिवारी कहा जाता था, यानी जब उनका जन्म हुआ था तो उनका नाम क्या था, चंद्रशेखर तिवारी। और उनके जो पूर्वज थे वो क्या है, भदरका विलेज के कानपुर के पास एक विलेज है भदरका विलेज, वहाँ से थे, यानी जितने भी उनके पूर्वज थे वो वहाँ के थे। उनकी मदर जिनका नाम जगरानी देवी था वो उनके पिता की तीसरी पत्नी थी, सीताराम तिवारी इनके पिता का नाम था। चंद्रशेखर स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन भावरा। हिज मदर वांटेड हिज सन टू बी अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर एंड परस्यूड इट। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या है, अपना जो बचपन है वो भावरा विलेज में बिताया था। उनकी माँ अपने बेटे को एक महान संस्कृत स्कॉलर बनाना चाहती थी। Pursued his father to send him to काशी विद्यापीठ बनारस टू स्टडी। इसीलिए उनकी माँ ने क्या है, उनके पिता को राज़ी किया कि वो चंद्रशेखर को काशी विद्यापीठ में बनारस में स्टडी करने के लिए भेज दें। ही लर्नड आर्करी फ्रॉम द टेरेबल व्यूज ऑफ द ईस्ट वाइल झबुआ डिस्ट्रिक्ट। वहाँ उन्होंने क्या है, आर्करी यानी तीरंदाजी, जो तीर चलाते हैं वो सीखी थी ट्रेडिबल बीस में, जो झबुआ डिस्ट्रिक्ट में था। विच हेल्प्ड हिम लेटर ऑन ड्यूरिंग द आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। और ये जो उनकी शिक्षा थी आर्करी की, ये उन्हें बाद में काम में आई जब वो ब्रिटिशों के खिलाफ जब संघर्ष कर रहे थे तब उनके इससे बहुत मदद हुई। ही रिसीव्ड हिज अर्ली स्कूलिंग इन भावरा डिस्ट्रिक्ट इन झबुआ मध्य प्रदेश। फॉर हायर स्टडीज ही वेंट टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भावरा डिस्ट्रिक्ट झबुआ में कंप्लीट की थी, मध्य प्रदेश में है ये, और अपनी उच्च शिक्षा के लिए उन्हें क्या है, एक संस्कृत पाठशाला जो कि वाराणसी में है वहाँ भेजा गया था। चंद्रशेखर वॉज डीपली ट्रबल्ड बाई द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर इन 1919।
तो जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो क्या है, बहुत ज़्यादा गहरे रूप से प्रभावित हुए थे, यानी परेशान थे जब उन्होंने वो जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा जो अमृतसर में 1919 में हुआ था। तो इस बात से वो काफ़ी परेशान थे। इन दिसंबर 1921 तो दिसंबर 1921 में चंद्रशेखर एट एन एज ऑफ 15 गॉट इन्वॉल्व इन द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। यानी 1921 में चंद्रशेखर आज़ाद जो क्या है 15 वर्ष के थे, उन्होंने क्रांतिकारी क्रियाओं में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। ही वॉज कॉट बाई द ब्रिटिश पुलिस वाइल पार्टिसिपेटिंग इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सेंटेंस टू विप्लैशेज एज पनिशमेंट। और उन्हें क्या है, ब्रिटिश की जो पुलिस थी उसने पकड़ लिया क्योंकि वो अहिंसक असहयोग आंदोलन में भागीदार थे, तभी पुलिस ने उनको पकड़ लिया और उन्हें चाबुक मारने की सज़ा सुनाई गई। यानी जब वो एक असहयोग आंदोलन में भाग ले रही थी तभी क्या हुआ, वहाँ पर पुलिस आ गई और पुलिस ने उनको पकड़ लिया और उन्हें चाबुक की सज़ा सुनाई गई। व्हेन द मैजिस्ट्रेट आस्क हिम हिज नेम ही सेड आज़ाद इंडिपेंडेंट। जब जो मजिस्ट्रेट यानी जो न्यायाधीश होते हैं उन्होंने उनका नाम पूछा तो उन्होंने बड़े ही प्राउड से कहा आज़ाद। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड चंद्रशेखर एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ आज़ाद। इसके बाद से उन यानी इस घटना के बाद से चंद्रशेखर तिवारी जो थे उनको क्या कहा जाने लगा, आज़ाद, एंड केम टू बी नोन एज चंद्रशेखर आज़ाद। और अब वो क्या बन गए थे, चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आज़ाद बन गए थे। आफ्टर सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922 बाई गांधी जी, आज़ाद बिकम मोर अग्रेसिव। ही कमिटेड हिमसेल्फ टू अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस बाई एनी मीन्स। ही मीट अ यंग रेवोल्यूशनरी प्रणवेश चटर्जी हु इंट्रोड्यूस हिम टू राम प्रसाद बिस्मिल हु हैड फॉर्म द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ए रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। आज़ाद वॉज इम्प्रेस विद द एम ऑफ HRM। तो जब वो निलंबन के बाद आफ्टर सस्पेंशन असहयोग आंदोलन का क्या है निलंबन कर दिया गया 1922 में, गांधी जी ने करवाया ये, तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के जो निलंबन हुआ उसके बाद आज़ाद क्या है और भी ज़्यादा क्रोधित हो गए। यानी उनको क्रोध आ गया और वो आक्रमण के यानी अहिंसक बन गए। ही कमिटेड हिमसेल्फ टू अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वो हर किसी भी तरीके से मतलब पूरी तरह स्वतंत्रता चाहते थे चाहे उसका कोई भी स्रोत हो। यानी गांधी जी आप जानते ही हैं हिंसा के विरोधी थे, लेकिन जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो किसी भी तरीके से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहते थे। तभी वो एक युवा क्रांतिकारी थे प्राणवेश चटर्जी, उनसे मिले और प्राणवेश चटर्जी ने उनको एक व्यक्ति रामप्रसाद बिस्मिल उनसे जाकर परिचय करवाया जो क्या है एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी संस्था के अध्यक्ष थे। आज़ाद वॉस तो आज़ाद क्या है उन HRA से मिलकर बहुत ही प्रभावित हुए, उनका जो लक्ष्य था उससे बहुत प्रभावित हुए। इसके आगे के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।